What is up people, welcome to the channel again, my name is Vaibhav. और बहुत दिन हुए हैं, like एक हफ्ता हो चुका है मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था चैनल पे. उसका रीज़न ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा था. मैं मुंबई पुणे दो बार जा चुका हूँ कुछ ज़रूरी काम के चक्कर में, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कुछ भी करने के लिए. तो मैंने सोचा कि अभी मुझे वक्त है और कुछ बहुत सारे लाइक टॉपिक्स हैं जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अगर आप गेम एस्पायरिंग गेम डेवलपर हो, ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था. बेसिक चीज़ है मोनेटाइजेशन के बारे में, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है वो कैसे क्या क्या होता है एग्जैक्टली गेम्स में. तो ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दैट वन टॉपिक. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो यस, बात करते हैं बेसिक कैटेगरी ऑफ गेम से. मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गेम्स की कैटेगरीज क्या होती है, और मैं इसको बहुत ब्रॉड रखने वाला हूँ क्योंकि गेम कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी आती है जो मुझे जिसके बारे में अभी बात नहीं करनी. मैं आपको एक बेसिक कैटेगरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. मेरे लिए दो मेन कैटेगरीज है, और ये मैं सिर्फ मोबाइल गेम्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल. दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको. पहला है फ्रीमियम गेम, जिसे हम फ्री टू प्ले गेम भी कहते हैं, और दूसरा है प्रीमियम गेम, जिसे हम पेड गेम कहते हैं. और इसके अंदर बहुत सब कैटेगरीज हैं, जो जैसे कि फ्रीमियम गेम के अंदर सिर्फ फ्री टू प्ले जो विदाउट इन ऐप परचेजेस होता है, जिसे जो सिर्फ एड्स से मोनेटाइज होता है. अच्छा, मैं मोनेटाइज क्या लाइक ये वर्ड मैं दो चार बार यूज़ कर चुका हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको. मोनेटाइजेशन ये एक टर्म यूज़ होता है गेमिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में. उसका मतलब ये होता है कि आपका तरीका, आप अपने प्रोडक्ट से किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो आपके गेम का या आपके प्रोडक्ट का मोनेटाइजेशन फॉर्मूला है जिससे आप पैसे कमाते हैं. तो यहाँ पे जैसे गेम्स में आपके गेम का मोनेटाइजेशन हो सकता है एड्स से, तो उसे हम एड्स मोनेटाइजेशन कहते हैं, या फिर इन ऐप मोनेटाइजेशन कहते हैं. अगर आपके गेम में ज़्यादा इन ऐप परचेजेस है तो आपको आप उसे इन ऐप मोनेटाइजेशन कह सकते हैं. तो मोनेटाइजेशन बेसिकली ये एक टर्म है जो यूज़ होता है प्रोडक्ट्स में, गेम्स में, प्रोडक्ट्स में इन जनरल यूज़ होता है, ऐसा स्पेसिफिकली गेम्स के लिए नहीं, बट उसे ग्लोबली मोनेटाइजेशन कहते हैं. तो ये जो सब कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो अलग अलग मोनेटाइजेशन के हिसाब से वो कैटेगरीज बेस्ड होती है. तो लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की. पहला है फ्री टू प्ले प्रीमियम, और सेकेंड है पेड या प्रीमियम गेम्स. तो सबसे पहले बात करते हैं पेड गेम्स के बारे में, बिकॉज वो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी है. वो ये है कि पेड गेम्स बेसिकली अगेन दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. लेयर वन पे ऐसा होता है कि ये गेम आपको खेलने के लिए एक प्राइस पॉइंट जो होती है, उसकी फीस जो होती है वो आपको पे करनी होती है फॉर श्योर. जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो या फिर ऐप स्टोर पे जाते हो, आपको वो गेम, एक पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए जब भी आपको उसकी उसको बाय करना होता है, वो गेम होता है पेड गेम. तो पेड गेम्स जो होते हैं, जो प्रीमियम गेम्स जैसे हम कहते हैं, उसकी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी होती है कि द अमाउंट ऑफ जितने आप यूनिट्स सेल कर पाए उस गेम के, उतना आपका मोनेटाइजेशन होता है, उतना आपको रेवेन्यू मिलता है. तो पेड गेम्स का मोनेटाइजेशन सिंपल है, द अमाउंट ऑफ यूनिट्स यू सेल इज़ योर मोनेटाइजेशन, ये वो आपका रेवेन्यू बन जाता है. अब जो सब कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा था, एक ही ट्विस्ट है कि कुछ पेड गेम्स में आपको लाइक पहले ऐप स्टोर से गेम डाउनलोड करने के लिए परचेज तो करना ही होता है, पर उसके साथ गेम के अंदर भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शायद आपको और बाय करने होते हैं, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, बट वो बहुत डीप कैटेगरी है. बट ब्रीफ अगर मैं बोलूँ प्रीमियम या पेड गेम्स के बारे में, तो ये सिंपल मोनेटाइजेशन है इसका कि आप जब भी ऐसा गेम बनाओ जिस जो गेम आपको लगता है कि वो गेम खेलने के लिए लोग $1 $2 $5 देने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप उसको पेड करो, तो आप उसको प्रीमियम में डालो, तो आपका मोनेटाइजेशन सिंपल होगा, जितने आपके यूनिट सेल होंगे उतना आपका रेवेन्यू बनेगा.
तो पेड गेम अगर आपने $2 का डाला या $1 का डाला तो वो ऐप स्टोर पे $1 के प्राइस में दिखेगा वहाँ पे। अगर कोई भी बंदा अगर उसको परचेस करता है तो 30 सेंट्स होते हैं, यानी कि $1 के 30% जो होता है वो उस प्ले स्टोर को जाता है, वो ऐप स्टोर को जाता है, और बचे हुए जो 70% होते हैं वो आपको आते हैं। तो $1 अगर हुआ तो 0.7 सेंट्स आपको मिलेंगे, 70 सेंट्स आपको मिलेंगे और 30 सेंट्स जाएंगे ऐप स्टोर को। तो ये पेड गेम्स का मोनेटाइजेशन सिंपल है। जो मेन कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने कहा था फ्रीमियम या फ्री टू प्ले गेम्स है, उसमें थोड़े से ज़्यादा डिटेल्स है। तो सबसे पहले मान लीजिए एड मोनेटाइजेशन है, उसके अंदर अगर मैं कैटेगरीज बोलूँ तो पहला होता है सिर्फ एड्स से जो मोनेटाइज होते हैं गेम्स, जिसमें इन ऐप परचेज नहीं होता, और दूसरा होता है जिसमें एड्स भी होते हैं और इन ऐप परचेजेस भी होते हैं। ये दोनों चीज़ को आप यूज़ करके आपके गेम को मोनेटाइज कर सकते हो, आपके गेम से रेवेन्यू बना सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले एड्स कैटेगरी की। तो एड्स में जो होता है ना, तो एड्स कैसे होते हैं, आपको कोई एक एड नेटवर्क को चूज़ करना होता है। मान लीजिए आप अपने गेम बनाया है और आपको सिर्फ इसको ऐड से मोनेटाइज करना है, तो आप कोई भी एक नेटवर्क चूज़ करें, जैसे गूगल का एड मॉब हो या चार्ट बूस्ट हो या यूनिटी एड्स हो, कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐड नेटवर्क्स होते हैं जो आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, और आपको आपके गेम से स्पेसिफिक जो भी होगा वो आप ऐड नेटवर्क यूज़ करिए और आपके गेम में डालिए। जब मैं कहता हूँ कि आपके गेम में डालिए तो आपको करना क्या होता है, आपको वो प्लगइन जो SDK जो होता है उसको सिर्फ आपको इंपोर्ट करना होता है आपके गेम में, और उसको सिर्फ कॉल करना होता है एक स्पेसिफिक जगहों पे। जैसे आपने देखा होगा, आप जब भी गेम खेलते हैं तो ऊपर एक बैनर आता है, नीचे एक बैनर आता है, उसे हम बैनर एड्स कहते हैं। अब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ऐड के कैटेगरीज़ के ऊपर, पर मैं अभी ब्रीफ दे रहा हूँ सिर्फ। बैनर एड्स होते हैं जो बीच में आते हैं, जो फुल स्क्रीन कवर करते हैं, वो इंटरस्टिशियल एड्स होते हैं। फिर जो वीडियो फॉर्मेट में होते हैं उसे हम वीडियो एड्स कहते हैं। अगर उस वीडियो एड को देखने के बाद यूज़र को कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो उसे रिवॉर्डेड वीडियो एड्स कहते हैं। तो ये एड्स के ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं, और आपको आपका गेम डिज़ाइन, आपके गेम का डिज़ाइन इतना स्ट्रॉन्ग और इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना होता है कि वो एड दिखे भी यूज़र को और वो यूज़र उससे इरिटेट भी ना हो और आप पैसे भी कमाएं। तो ये स्मार्ट वर्क होता है गेम डिज़ाइनर का, ये सोचने का कि उसके ऐड की प्लेसमेंट हम कैसे करें ताकि यूज़र डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और आपको पैसे भी मिले। तो ये ऐड कैटेगरी है, ये एड्स से मोनेटाइज्ड ऐसे होते हैं गेम्स। उसी में फ्री टू प्ले में इन ऐप परचेज भी हो सकते हैं, जो इन ऐप परचेज यानी कि जो वर्चुअल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कार की गेम बना रहे हो, तो कार को अलग अलग कार्स अगर आप गैराज में डालें तो उसको खरीदने के लिए, वो अलग अलग कार्स को खरीदने के लिए आपको पैसे पे करने होंगे इन ऐप स्टोर से सीधे, तो उसे हम इन ऐप परचेज कहेंगे। या फिर आप सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, तो रीसेंट ट्रेंड जो पबजी चल रहा है राइट, तो उसमें जो कस्टमाइजेशन होता है, जो कपड़े होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, आप अलग अलग तरीके के वो चीज़ें आप खरीद सकते हो गेम से। सो दैट इज़ इन ऐप परचेजेस मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो यही, ये सारे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए वो कैटेगरीज हैं। मैं आपको फिर से एक बार समराइज करके बताता हूँ, गेम्स में ब्रॉड कैटेगरीज दो होती है, एक फ्रीमियम गेम्स और एक प्रीमियम गेम्स। प्रीमियम गेम्स में सिंपल होता है, एक कॉस्ट होती है गेम की जो यूज़र को पे करनी होती है और उसको गेम खेलने मिल जाता है। प्रीमियम गेम जो होता है उसमें दो मोनेटाइजेशन हो सकते हैं, एक एड नेटवर्क से हो सकता है और एक इन ऐप परचेसेस से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों होने ही चाहिए, बट मेजरली वो एड्स से ही मोनेटाइज होते हैं, इन ऐप परचेज होते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो गेम चलते हैं वहाँ पे इन ऐप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज इंडिया एज एन ऑडियंस ज़्यादा फिलहाल इन ऐप परचेजेस में है नहीं, लाइक वो लोग नहीं कर रहे। इसके लिए जो गेम्स इंडिया फोकस्ड है वो ज़्यादातर एड्स से मोनेटाइज होते हैं। तो ये बेसिक है मोनेटाइजेशन का इन गेम्स। तो अगर आपको ये सवाल घड़ी घड़ी ये आ रहा था कि मोबाइल गेम से पैसे कैसे कमाए जाए, तो ये एक सबसे फर्स्ट जो तरीका है, आप अपना गेम बना के ऐप स्टोर पे जब भी डालते हो तो ये लेयर वन, जो ये सबसे पहला
तरीका आप गेम से ऐसे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो उस एक पर्टिकुलर गेम से, पर उसके लिए बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं इस चैनल पे वीडियोस के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। क्विक ब्रीफ अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे वो आपने गेम बना लिया है, फिर आपके पास उसका इंजन पड़ा हुआ है, आप वो किसी को क्लोन करके बेच सकते हो, या कोई नया प्लेटफॉर्म आता है कोई नया फ़ोन का तो आप उसको वो गेम बेच सकते हो। प्लेटफॉर्म के डील्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डील्स होते हैं जो आप मार्केट में रिसर्च करके लोगों को ढूंढ के वो क्रैक कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हो वो एक पर्टिकुलर गेम से। तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मोनेटाइजेशन इन मोबाइल गेम्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आई होप आपके जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर देंगे। और इसके ऊपर आपको कुछ भी और डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा। और ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक।